मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना तो सभी को आता है, लेकिन कंप्यूटर में हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आसान है, हम कंप्यूटर में दो तरीकों से स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो आपके बहुत काम आने वाला है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेने का सबसे जो पहला तरीका है, उसके लिए हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम स्निपिंग टूल। देखो, स्निपिंग टूल की ऑप्शन हमारी डिस्प्ले भी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। ये इसकी स्पेलिंग भी आप नोट कर लीजिए। इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा और हमारी जो डिस्प्ले है वो अब ब्लर हो चुकी है। जहाँ भी आप ड्रैग करेंगे, जहाँ भी आप सेलेक्ट करेंगे, वो हमारी स्क्रीनशॉट के लिए रेडी हो जाए। देखो, इसका स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं। कंट्रोल ऐसे हम अब सेव करेंगे, इसे डेस्कटॉप पे सेव कर, इसका नाम हम देते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। देखो, स्क्रीनशॉट हमारा जनरेट हो चुका है बड़ी आसानी से। आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो इसको, स्टेप को फॉलो करना। और जो दूसरा तरीका है, हमारे कीबोर्ड पे जो फंक्शनल की के जो 12 F12 है उसके बिल्कुल साथ प्रिंट स्क्रीन वाली जो की है उसको एक बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस कर लिया, अब उसके बाद हमें पेंट में जाना है। पेंट को ओपन करना है। देखो, पेंट में हम क्या करना है, यहाँ पे हम कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। देखो कितनी आसानी से हमने ये स्क्रीनशॉट, पूरी फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हम जनरेट कर चुके हैं। अब इसे भी हम सेव करेंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे भी हम स्क्रीनशॉट 2 हम इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं, क्लोज। देखो, दूसरा स्क्रीनशॉट भी बड़ी आसानी से हम जनरेट कर चुके हैं। बड़ी आसानी से हम दो तरीकों से अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसको हम ज़रूर करके देखें। थैंक यू।